नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। रीवा जिले से कुछ किसान बंधु युवा एकता परिषद के बैनर तले आज महाप्रबंधक महोदय को ज्ञापन सौंपने के लिए आए हैं। इस मामले को लेकर के किसानों के साथ साथ युवा एकता परिषद के जिला समन्वयक विकास अग्निहोत्री जी का क्या कहना है, इस मुद्दे की बात करेंगे। किस लिए ज्ञापन सौंपा जा रहा है और क्या मामला है पूरा, थोड़ा सा इस बारे में आप बताएं। सन 2016 एवं 17 में जी रेलवे विभाग द्वारा रीवा ललितपुर रेल परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहित की गई थी, जिसके बदले वो मुआवजे के साथ साथ नौकरी भी देने की बात कही थी और रेलवे की नियमावली में था भी और कुछ ज्वाइन भी कर चुके हैं जी। लेकिन अचानक से 11/11/19 को एक आदेश जारी हुआ कि अब किसानों को नौकरी नहीं दी जाएगी। लेकिन हम लोगों की मांग ये है कि उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि 11/11/19 यह आदेश दिनांक से प्रभावी है, मतलब जिस तारीख को वो आदेश हुआ है के हाँ, तो हमारे ये जितने भी किसान हैं वो 11/11/19 के पहले वाले हैं जी। यहाँ पे और अभी कल मेरी सेक्रेटरी साहब से बात हुई थी, जीएम साहब के सचिन शुक्ला सर हैं साहब, तो उनसे बात हुई थी, मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है और सीधे उन्हीं से बात हुई थी और उन्होंने बोला था कि आप कल जीएम साहब रहेंगे, कल आ सकते हैं और अभी मिलने भी नहीं दिया जा रहा हम लोगों को। और हम लोग कोई अपॉइंटमेंट नॉर्मल तो मुलाकात करने आए नहीं हैं, ज्ञापन सौंपने आए हैं, तो उसके लिए कोई टाइम लेना तो वो नहीं बनता कि अब टाइम लेके ही हम मिले। यहाँ के विभागीय कर्मचारियों के द्वारा क्या कहा जा रहा है इस बात को लेकर? इस बात को लेकर ये कहा जा रहा है कि वो बड़े ऊंचे लेवल के अधिकारी हैं, उनका मिल पाना मुश्किल है, ये है वो है। और हमारे किसान भी ये कह रहे हैं कि जब तक हम मुलाकात नहीं करेंगे, जीएम साहब हमको आश्वासन नहीं देते, तब तक हम यहीं बैठेंगे जी। इस परियोजना के अंतर्गत लगभग कितने किसान प्रभावित हो रहे हैं जिनकी नौकरी जा रही है? 24 हेक्टेयर भूमि है जिसमें 500 किसान बांसा एवं मड़वा के हैं, उसके अलावा और सीधी और सतना के भी बहुत सारे किसान हैं। और अभी तक जो है इस कार्यक्रम को लेकर के काफ़ी गहन एक संघर्ष आप लोग के द्वारा किया जा चुका है, थोड़ा सा जो पूरी प्रक्रिया हुई है जहाँ जहाँ आपने अनशन किया है इस बारे में थोड़ा सा बताएं। हम लोग सबसे पहले सांसद महोदय जी के यहाँ गए और वहाँ ज्ञापन दिया, इसके बाद जब कोई कुछ सही आश्वासन नहीं मिला तो हम लोग डीआरएम साहब को भी ज्ञापन दिए। डीआरएम साहब ने बोला कि ये हमारे बस की बात नहीं है, रेलवे बोर्ड की बस की बात है। तो हम लोगों ने काम को बंद करा के वहाँ जो बांसा एवं मड़वा में काम चल रहा निर्माणाधीन उसको बंद करवा के अनशन पर बैठ गए और अनशन में बैठने के बाद 10 दिन के बाद वहाँ के क्षेत्रीय सांसद महोदय रीवा के जनार्दन मिश्र जी आए और उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं अगर जल्दी से जल्दी 2 से 3 महीने के अंदर अगर नौकरी नहीं दी जाती तो हम खुद वहाँ संसद भवन के बाहर बैठकर हम हड़ताल करेंगे और नौकरी दिलवाएंगे। और अभी एक हफ्ते पहले जब उनसे संपर्क किया गया तो वो बोले कि रेलवे बोर्ड से आदेश जारी हो चुका है, आप लोग जाके जीएम साहब से बात करें और वहाँ जाके पता करें। तो उसी चीज़ को लेकर हम लोग जब 7 से 10 दिन 15 दिन हो गए तो हम लोगों ने योजना बनाकर यहाँ आए कि भाई हम एक ज्ञापन देने की हमें जवाब दें। और जैसा कि मेरी जानकारी है जब आप लोग मड़वा बासा में अनशन कर रहे थे उस दौरान रेलवे के कर्मचारी भी पहुँचे थे और उन्होंने भी आश्वासन दिया था, उस बारे में आपका क्या कहना? उन्होंने यही आश्वासन दिया था कि अगर जमीन ली गई है तो नौकरी दी जाएगी, पर ये हम लोगों के बस की बात नहीं है, रेलवे बोर्ड की बात है। तो अब कैसा लग रहा है कि मतलब कब तक मुलाकात हो सकती है? अब अभी कोई स्पष्ट रूप से बताया नहीं जा रहा कि कब मुलाकात होगी जी, लेकिन हमारे किसानों का भी ये कहना है कि जब तक मुलाकात नहीं होगी तब तक हम लोग यहाँ जबलपुर से नहीं जाएंगे। इन सारे किसानों की जो प्रमुख मांगें हैं उन मांगों के बारे में थोड़ा सा बताइए। बस मांग कुछ और नहीं है, जो रेलवे बोर्ड ने वादा किया था जमीन भू अधिग्रहण के बदले नौकरी देने का, वो वादा पूरा कर दे और कोई मांग नहीं है। किसानों के मुद्दों को लेकर के विकास अग्निहोत्री जी और किसान यहां पर महाप्रबंधक महोदय को ज्ञापन सौंपने के लिए आए हैं और इनकी स्पष्ट मांग है कि 11 नवंबर 2019 को जारी हुए आदेश के पहले के जो किसान हैं जिनकी भूमि अधिग्रहित की गई थी उनको तत्काल प्रभाव से नौकरी दी जानी चाहिए। देखते रहिए द खबरदार न्यूज। नमस्कार, धन्यवाद। खबरदार हिंदी न्यूज चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए द खबरदार हिंदी न्यूज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।